चलिए नेक्स्ट देखें, हम प्रिपरेशन एसिड की किससे करेंगे? तो अब हम करेंगे असाइल क्लोराइड से। ठीक है, तो देखिए कैसे होगी। मेरे हिसाब से फिफ्थ होगी, जो भी होगी लगा लेना। फ्रॉम असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड से कैसे होगी? असाइल क्लोराइड आपको पता ही है क्या होता है, RCOCl होता है, RCOCl। ठीक है, तो इसमें हम अगर हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दें तो देखिए क्या होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब आपको पता ही है HOH दे रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में बनाओ जरा एसिड, RCO है ही। ठीक है, OH यहाँ दे दो तो RCOH, और H और Cl बचा है इनको साथ में निकाल लो तो ये बनेगा HCl। ठीक है, हालांकि इससे पहले बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, बट आप इससे काम करा लेना कि पहले Cl नेगेटिव आयन बनेगा और फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए सिक्स्थ आएगी, फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड हम दो तरह के ले सकते हैं, या फ्रॉम एनहाइड्राइड लिख लेते हैं। एनहाइड्राइड हम पे दो तरह के होते हैं, या तो सिमेट्रिक या तो अनसिमेट्रिक, क्योंकि एनहाइड्राइड में दो चीज़ें आती हैं, CH3CO होल ट्वाइस हो, तो या तो वो एक ही हो तब बात बन जाएगी, या तो अलग तरह की हो। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं सिमेट्रिक टाइप, सिमेट्रिक टाइप। जरा हम बेंजोइक एनहाइड्राइड लेते हैं, C6H5CO होल ट्वाइस हो। ठीक है, C6H5CO होल ट्वाइस हो, इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ये सिमेट्रिक टाइप का है क्योंकि इसमें C6H5CO ग्रुप जो है वो दो हैं, एक जैसे हैं। पानी डालेंगे H2O, तो आप सीधा टू टाइम्स आ जाएगा C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड सीधा आ जाएगा, बेंजोइक एसिड। देखो बैलेंस कर लो, यही है। ठीक है, देख सकते हो आप पे वाटर भी है तो यही बनेगा। बट इसमें अगर अनसिमेट्रिक टाइप हो, कैसा हो? अनसिमेट्रिक टाइप, इसमें ही दूसरा हमारा हो, सिमेट्रिक टाइप हो गया, दूसरा है हमारा अनसिमेट्रिक टाइप, अनसिमेट्रिक टाइप। अगर हम यहाँ अनसिमेट्रिक टाइप का लें, अनसिमेट्रिक टाइप क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ एक तो C6H5 ही ले लिया बेंजोइक वाला, और दूसरा हमने ले लिया कोई दूसरा जैसे COCH3, हाँ मिथॉक CH3CO ले लो। तो देखो एक तो हम पे है C6H5CO, ठीक है, C6H5CO है, और एक हमने ले लिया CH3CO, COCH3, और इन दोनों को ज्वाइन करा एक O ने, ये वाला इथर नहीं है बेटा, ये इथर होता जब ये COCO नहीं होता। ठीक है, तो एक C6H5CO है और एक CH3CO है, O है। वाटर से रिएक्ट करेंगे, अनसिमेट्रिक टाइप का है, तो एक तो आपके बनेगा C6H5COOH जो होता है आपका बेंजोइक एसिड, और दूसरा आपका बना CH3COOH जो होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे सेवन्थ, पहले हमने देखा असाइल क्लोराइड, फिर हमने देखा एनहाइड्राइड से, सेवन्थ हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कहाँ से, फ्रॉम एस्टर, एस्टर से भी बन सकता है, फ्रॉम एस्टर, एस्टर से भी बना सकते हैं। एस्टर आप पे पता है RCOOR होते हैं, तो जैसे हम पे हमने ले लिया एक R तो ले लिया फिनाइल, यह है COO, और एक ले लिया इथाइल C2H5। अब इससे रिएक्ट कराया पानी से, किसमें? पानी से, या हाइड्रोलिसिस करा हमने। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस कर लें यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो एक तो आप पे सबसे पहले सॉल्ट बनेगा, देखो ये होगा, हम NaOH के प्रेजेंस में करा लेते हैं, या हम हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो देखिए एक तो आपके बनेगा चलो NaOH वाला बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देख लो, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेंजीन रिंग आएगी प्लस C2H5 आएगा। तो वो बेंजीन रिंग पे पहले से क्या है, COO है, C2H5 पे कुछ नहीं है, H3O टूटेगा H और OH में, तो H तो दे दो इसे, और जो OH बचा उसे दे दो इसे, तो एल्कोहल और एसिड बन गया। इसमें मैं आपको एक और दिखा सकता हूँ, जैसे हम इथाइल प्रोपाइल इथल ले, एस्टर ले लें, तो CH3CH2CH2COOC2H5, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब जैसे अगर हम इसे NaOH से रिएक्ट कराएं, किससे रिएक्ट कराएं, NaOH से, तो आप पे बनेगा CH3CH2COO, हाँ इसके साथ नहीं जाएगा, बड़े वाले के साथ ही जाएगा, COO NaOH बचेगा, और यहाँ पे बचेगा C2H5,
और यहाँ पे आया OH, ये एनी इधर। अब इसको ही लेना है, इसको इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर लें, क्या कर लें हाइड्रोलिसिस, तो ये सीधा चेंज होगा CH3CHO CH2COOH में, और बाद में कुछ भी निकले उससे आपको मतलब नहीं है, NaOH निकले जो निकले उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ये सारी आपके प्रिपरेशंस थी कार्बोक्जिलिक एसिड की। अब एक नोट याद रखना, हम जब सोल्यूशन कर रहे थे तो हम बोलते थे ना कि इथेनोइक एसिड डाइमराइज हो गया, बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो गया, इसका मतलब ये डाइमराइज हो सकते हैं वेपर स्टेट में। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव टाइप की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो नोट डाल के लिख लेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड सी एसिड, आप पूरा लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन, क्योंकि मेरा आइडिया है मेरे दिमाग में तो रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन एग्जिस्ट एज डाइमर, डाइमर पता है ना क्या होता है, RCWH दो लिए तो ये सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में क्या बना देगा, RCWH पहले अलग है अब होल ट्वाइस बना देगा, ये चीज़ है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज, इन वेपर फेज या तो वेपर फेज में, और एप्रोटिक सॉल्वेंट या तो एप्रोटिक सॉल्वेंट या तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में या वेपर फेज में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं डाइमर ड्यू टू द फैक्ट दैट कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में बहुत एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट टू सच मॉलिक्यूल्स, सच किसके, अब एसिड के और किसके, टू सच मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म एक्सटेंसिव, कैन फॉर्म एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर, एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं बहुत खतरनाक, इसके वजह से ये एग्जिस्ट कर सकते हैं भैया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, रख लोगे, शाबाश। तो हमने अब क्या क्या देख लिया बच्चों, हमने देख लिया इसका प्रिपरेशन, इसका नोट देख लिया, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत तरह से रिएक्शन दे सकता है, या तो उसका OH बॉन्ड टूटे या COH बॉन्ड टूट जाए, C से अलग हो जाए तब भी दे सकते हैं। तो हम पहले डाल देते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इससे तो आपने बचपन से भी पढ़ी है, पहली है विद मेटल, मेटल के साथ आपको पता है एसिड हाइड्रोजन गैस के पॉप साउंड निकालता है विद मेटल्स, मेटल से रिएक्ट करके आपको पता है ये क्या होता है, ठीक है। तो जैसे टू टाइम्स ले लिया हमने किसी एसिड का RCWH का और दो सोडियम ले ले तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा टू टाइम्स ऑफ RCOO- और Na+, ठीक है, और यहाँ पे दो एच निकले H2, इसकी पॉप साउंड रिलीज होगी, ठीक है, टक 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 पट 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 ऐसी आवाज आएगी, ठीक है। यह अच्छा, एल्कली के साथ अगर कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सॉल्ट बनाएगा। अच्छा, एल्कली अलग चीज़ है, बेस अलग चीज़ है, एल्कली क्या होते हैं, एक्वस बेस है ना। तो विद एल्कली टू टाइम्स ऑफ RCWH कोई एल्कली ले लो, वाटर भी एक एल्कली के जैसे काम ही करता है, बट आप अच्छी एल्कली ले लो जैसे NaOH ले ली, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, इट इज़ नथिंग, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाते हैं। तो आपका बनेगा क्या, इसमें तो सिंगल ही ले लो, तो बनेगा RCOO Na+ वाटर, ये आपका क्या बना, सॉल्ट बना, ठीक है, क्या बना, सॉल्ट बना, हाँ O- Na+ गोली मारो उसे। नेक्स्ट है विद बेसिस, और बेसिस से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कौन से बेसिस से, बेसिस आएंगे आपके ग्रुप टू से, ठीक है। तो RCWH हो गया, और कोई बेस लो ग्रुप टू से, MgCO3 ले लो, कुछ भी ले लो, NaHCO3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, NaHCO3 आप बताओ क्या बनेगा, CO2 की ब्रिस्क एफर्वेंस निकलेगी, याद करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने RCOO- Na+ निकाल लिया, ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब एक तो निकाल लो CO2, ठीक है, और एक
एच बचा यहाँ पे, एक एच यहाँ पे बचा, एक ओ बचा, तो एच टू ओ। सी ओ टू के क्या निकलेगी, ब्रिस्क एफरमेंस निकलती है, एसिया बच। ठीक है, याद रख लेना। वाटर के साथ आपको पता ही है एसिड डिसोसिएट हो जाता है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन देगा और प्रोटॉन देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ विद वाटर दे कैन डिसोसिएट विद वाटर। वाटर के साथ क्या होगा, वाटर के साथ दे कैन डिसोसिएट, दे कैन डिसोसिएट एंड फॉर्म्स स्टेबलाइज एंड फॉर्म्स रेजोनेंस स्टेबलाइज। मार्कर पुराने हो गए ना, ये तूने झटका देना पड़ता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बनाओ जरा, बना दो। क्या होगा, नहीं बन सकता तुम लोगों से, पागल हो क्या, बना दो यार। अबे ओ एच उसे मिल जाएगा ना, बना दो। हाइड्रोनियम आयन ही बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोनियम। ठीक है, H3O+ बनेगा, तो R C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे बड़ा बेस कौन सा, बड़ा एसिड कौन सा है, एसिड ये है बड़ा, वाटर दोनों है ना, ये बेस होगा इस बार। वैसे वाटर एसिड होता है, अल्कोहल के उसमें तो ये एसिड है, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर। कोई बात नहीं, ये अपना एच इसे दे देगा। चलो ठीक है, दे दिया, तो क्या होगा, आर ए सी है, डबल वन ओ है, ओ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, और प्लस H3O+ बन जाएगा। H3O+ ये आपका हाइड्रोनियम आयन है, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन। अच्छा, जब ये कार्बोक्सिलेट आयन है तो अब इसमें रेजोनेंस भी होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, दो लोन पेयर यहाँ, दो लोन पेयर यहाँ। ठीक है, तो होगा क्या, नेगेटिव हो गया, ये लोन पेयर इसे देगा। यहीं पे बना लो इसके रेजोनेंस, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें अगर मैं यहीं बना दूंगा। होगा कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन होगा, कभी ये इसे अपना लोन पेयर दे देगा तो वहाँ पे नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे इधर आ जाएगा, ऐसे हम बना सकते हैं। तो सी आर हो गया, तो क्यों ना मैं यहीं पे डबल बॉन्ड दिखा दूँ कि ऐसा डबल बॉन्ड है, तो ये आप लोग समझ ही जाओगे। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ऐसे ही कर जाऊँगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, या बताना है, बताओ, सी है, आर है, ठीक है, फिर एक ओ यहाँ है, एक ओ यहाँ है, दो लोन पेयर यहाँ है, एक पे नेगेटिव है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, तो आप समझ जाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर एक काम करें, लोन पेयर इसे ही दे दें तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कुछ मुझे घपला लग रहा है यहाँ, देखते हैं क्या घपला है। यह है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हालांकि मुझे एक कड़ी कम लग रही है इसमें, कोई डॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है, पर आप लोग देख लेना, अगर आपको समझ में आए ये दो कैसे बने हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बढ़िया है। ठीक है, ये तो आप लिख भी सकते हैं, रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, यहाँ तक लिख लेना। देन उसके बाद या तो मुझे ये लग रहा है कि डबल बॉन्ड को यहाँ पे कोई लेने देना है ही नहीं, फिर मतलब लोन पेयर का, ये इसको ही मिल जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ट्रांजिशन दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या है कि या तो डबल बॉन्ड कभी इसे मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, या तो डबल बॉन्ड इसे मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज वहाँ चल जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ मिला तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ मिला तो नेगेटिव चार्ज वहाँ, ये दोनों ही हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटेल में आप लोग देख लेना, क्लास 11th के नोट्स खोलना एक बार, समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद अब यहाँ पे चीज़ क्या है, कुछ नहीं, अगर हम
एसिडिक कांस्टेंट के रिलेशन देखना चाहें यहाँ पे एसिड के टर्म्स में, तो वो भी हम लोग यहाँ समझ सकते हैं क्या है। कि जैसे आप पे होता है RCOOH प्लस H2O, तो ये आपको दे देता है कितना RCOO माइनस प्लस H3O प्लस। अब अगर यहाँ पे हम Ka एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर RCOO माइनस के ऊपर H3O प्लस की नीचे भी ऊपर अपॉन में क्या आएगी, तो अपॉन में आपके आएगी RCWH की, RCWH की, और बच्चे वाटर की आप यूनिटी लेते हो वन, ये तो आपको पहले से ही पता था, ठीक है। तो के ए की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब नहीं नहीं इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ठीक है। या अभी यहाँ से इसे हम के ए नहीं बनाते, के इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो एच टू ओ की कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी, ये है। अब बात यह है कि ये पूरी चीज़ जो होती है इसे हम एसिडिक कांस्टेंट लिख सकते हैं, के ए। के ए सिर्फ कितना होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि के ए में वाटर नहीं आएगा तो वो भी सही है, के ए में वाटर क्यों आएगा, तो आर सी ओ ओ माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं एच थ्री ओ प्लस, और नीचे लिख सकते हैं आपका कितना सिर्फ आर सी ओ ओ एच। तो जब हम एसिडिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन को यूनिटी लेंगे वन, और जब हम जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो पूरा लिखेंगे। तो देखिए के इक्विलिब्रियम कितना बना, ये चीज़ और ये चीज़ उठाऊँ, ठीक है, ये चीज़ उठाऊँ तो ये कितना है के ए है एसिडिक कांस्टेंट, और नीचे कितना है वाटर की कंसंट्रेशन चल रही है ये, ठीक है। तो यहाँ से के ए की वैल्यू कितनी आ सकती है, के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आ सकती है। चलो ये तो 11th में भी पढ़ा था यानी कि इक्विलिब्रियम में, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर हम गौर करें क्लास 11th की थोड़ी बातों पे, तो हमें ये पता चलता है कि पी के ए जो होता है, पी के ए जैसे पी एच होता है, पी ओ एच होता है, वैसे पी ऑफ एसिडिक कांस्टेंट होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ के ए, माइनस लॉग ऑफ के ए कंसंट्रेशन, और यही बराबर होता है हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के, तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन एच थ्री ओ प्लस। ये सारा आयनिक इक्विलिब्रियम का था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसे नॉलेज के लिए लिख लिया। बस याद रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पूरा लेंगे, बट जब एसिडिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो वाटर के कंसंट्रेशन को यूनिटी मानेंगे। ये तीन बन गए के ए, नीचे है वाटर, ये है के ए क्यू, तो के ए की वैल्यू ये हो गई। तो पी के ए वही होगा माइनस लॉग के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस लॉग एच थ्री ओ प्लस की कंसंट्रेशन, और यहाँ से वो माइनस लॉग के इक्विलिब्रियम के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। अब हम ये देख लेंगे, एक नोट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस की वजह से क्या होगा वो देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जो आपने अभी देखे, डबल बॉन्ड ओ है तो नीचे वाले पे ओ माइनस, ऊपर वाले पे डबल बॉन्ड ओ है तो नीचे वाले पे ओ माइनस, नीचे वाले पे डबल बॉन्ड ओ है तो ऊपर वाले पे ओ माइनस। तो नोट, जबकि वहाँ पे इतना स्टेबल रेजोनेंस नहीं बन पाता फिनॉल में, क्योंकि वहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए। तो नोट लिख लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। तो ये आपको पता ही है क्यों, जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा फिनॉल से OH से, जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा NaOH अगर हम डालें तो H2O आपका अलग हो जाएगा, तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा O- और Na+, ये है। तो दिस फिनॉक्साइड आयन, दिस फिनॉक्साइड आयन इज रिलेटिवली लेस रेजोनेंस स्टेबल, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रिलेटिवली कम रेजोनेंस, दोनों में ही है बट इसमें रिलेटिवली लेस रेजोनेटिंग स्टेबल हुआ ये, एज रीज़न ये है कि नेगेटिव चार्ज इज एट negative charge is at less electronegative,
एटम, ठीक है, या नेस इज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और एटम कौन सा है, कार्बन, कौन सा वाला हाइब्रिडाइज है, sp2 है, आपको पता ही है ना यहाँ पे। बट इन कार्बोक्सिलिक एसिड देर आर टू मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी देखा ना आपने, दो बने कौन से थे, वो R C था, डबल बॉन्ड O तो O माइनस, और इसी का क्या था, R था C था सिंगल बॉन्ड O तो नीचे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस तो नीचे डबल बॉन्ड O। ये ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल है किससे, फिनॉक्साइड आयन से, जो ये बना फिनॉक्साइड आयन, ये आप बात याद रखेंगे, क्लियर है, शाबाश। तो ये कौन सा आयन है, ये पता ही है ना तुम्हें, कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बो ऑक्सिलेट आयन्स, ये हमारे हैं कार्बोक्सिलेट आयन्स, याद रखिएगा। चलिए, मैं आपसे कई दिनों से बोल रहा था, दो तरह के एमपे क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, अभी बताए थे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप तो भाई क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ कर देते हैं कार्बन को, जिससे जिसकी वजह से उसका बॉन्ड पोलर नहीं बन पाता और एसिडिटी घट जाती है। तो वही हम देखना चाहेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन में इसका क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं विड्रॉइंग ग्रुप EWG, ठीक है, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ O होगा, यहाँ पे O होगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिखा दो, कहीं पे भी वो दिखा दो, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम रेजोनेटिंग फॉर्म बना लेंगे ऐसी वाली। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन लेगा, ठीक है, तो मेक बॉन्ड पोलर, मेक बॉन्ड पोलर, हैंस मोर एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी जो क्षमता है एसिडिटी की या बेसिसिटी की, वो ज़्यादा दिखा पाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ की और बेसिसिटी की वो ज़्यादा दिखा पाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वाला, वो कन्फ्यूज़ कर देता है इस कार्बन को कि भाई मैं बॉन्ड को पोलर बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि अभी तो जो मेरा साथी है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप, वो तो मुझे इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो ये बना देता है मेक बॉन्ड लेस पोलर एंड लेस एसिडिक, लेस पोलर बनाएगा और लेस एसिडिक बना देगा ये, किसको, बॉन्ड को, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो अब दोनों चीज़ याद रखना, तो ऊपर एसिडिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, जैसे NO2 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और इनसे घट जाती है, ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है, शाबाश। एक ये भी देख लेना आप लोग कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं उनका ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा तो फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो सबसे पहले CF3 है, फिर NO2 है, फिर साइनाइड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हेलोजन बाद में आते हैं एक्स ग्रुप, और सबसे आखिरी में फिनाइल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से इतनी ज़्यादा एसिडिटी नहीं बन पाएगी, CF3 में सबसे ज़्यादा होती है। अब एक बेसिक ऑर्डर देख लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं।